जाओ, पूरा सिस्टम बना लेना। आठ दिसंबर को रात में 8 बजे मोदी जी ने अचानक से आके काले धन दिसंबर को नहीं बंद किया, अरे आठ तारीख आठ नवंबर को आठ नवंबर को रात में अचानक से मोदी जी ने आके काला धन रोकने के लिए ये बता दिया कि 500 और 1000 के नोट पूरे देश में अब कूड़ा माने जाएंगे, ये नहीं चलेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि 3 दिन में हालात अपने आप सामान्य हो जाएंगे, 3 दिन तक जनता को सफर करना पड़ेगा। लेकिन आज 10 दिन होने जा रहे हैं, लाइन में लगे लगे 55 लोग मर चुके हैं, कहीं पे भीड़ कम नहीं हो रही। अस्पताल में जिनके घर के मरीज भर्ती हैं उनके पास अब अपने मरीजों का इलाज कराने का पैसा नहीं है। जिनके यहाँ शादी है मोदी जी ने कह दिया कि 2.5 लाख रुपया उनको मैनेजर देगा, वो भी नहीं मिल रहा है। उनको 10,000 रुपया बैंक वाले दे रहे हैं कि बैंक में सर्कुलर ही नहीं आया है। इन सब परेशानियों को देखते हुए इनकी जो छुपे हुए इनकी बातें हैं उनको उजागर करने के लिए कि अंबानी अडानी और माल्या जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ये काम किया है, हम लोगों ने ये होर्डिंग लगवाई है। लेकिन विजय माल्या ऊपर तो कांग्रेस के समय पे ही उसको कर्जा बाकी था, अभी माफ किया गया, एसबीआई ने कर्जा माफ किया। इसका कर्जा एक तो अभी माफ हुआ, दूसरा राज्यसभा से जब ये भागा है उस समय भाजपा की सरकार ने राज्यसभा में सत्र में अटेंड करा है और नेक्स्ट डे उसके बाद ही भाग गया है विजय माल्या, इसलिए उसकी भी फोटो लगाई कि उसको वापसी का इन्होंने कोई गंभीर कदम अभी तक नहीं उठाया है। बसपा सरकार, बसपा के लोग अब आगे क्या करेंगे? बहन जी बराबर राज्यसभा में ये बात को उठा रही हैं कि अगर 10 महीने का समय इन्होंने लगाया है तैयारी के लिए, उसके बाद भी जनता को अभी रिलीफ नहीं दे पाए हैं तो 50 दिन का समय ये किस वजह से मांग रहे हैं आगे? बहन जी रोज राज्यसभा में भी उठा रहे हैं इस मुद्दे को और प्रेस रिलीज के माध्यम से भी बहन जी बोल रही हैं, लगातार बोल रही विरोध कर रही हैं कि बहन जी कह रही हैं कि इनके फैसले के हम खिलाफ नहीं है लेकिन जिस तरीके से इन्होंने फैसला लागू करा है हम उसके खिलाफ है। इसमें फोटो लगी ऊपर नरेंद्र मोदी की, विजय माल्या की, अंबानी की, अडानी की, चारों लोग हंसते हुए दिखाए जा रहे हैं। नीचे गरीब जनता जो अस्पताल में है, जो शादी जिनके घरों पे है और जो लोग बैंक की लाइन में लगे अपना काम धंधा छोड़ के, उनकी परेशानियों पे ऊपर इन लोगों को चारों लोग हंसते हुए दिखाए, जैसे ये हम गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये दर्शाने का हमने प्रयास करा है इस होर्डिंग के द्वारा।